भागलपुर जिले में बढ़ती गर्मी से निजात दिलाने एवं वृक्षारोपण अभियान को गति देने के उद्देश्य से भागलपुर जिला वन अधिकारी श्वेता कुमारी ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ लाजपत पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे पार्क के बाहरी परिसर का निरीक्षण करते हुए पौधे लगाने का निर्देश दिया। DFO ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, ऐसे में शहर में वृक्षारोपण अभियान चलाकर वातावरण को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लाजपत पार्क सहित शहर के अन्य पार्कों और खाली जगहों पर भी वृक्षारोपण अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं, साथ ही गर्मी से राहत भी दिलाते हैं। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि वे अपने घरों और आसपास के इलाकों में भी पेड़ पौधे लगाएं। किस चीज़ का निरीक्षण किया आज? पौधा के लिए लाजपत पार्क के चारों तरफ। ये प्रचंड गर्मी को देखते हुए किया गया क्या? तो इसमें तो हम लोग तो पौधा लगाया ही हाल फिलहाल में। तो किस परिसर में लगाना है? पानी के लिए आया था, पानी पौधा में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अच्छा, परिचय बताइए तो अपना। मेरा नाम पप्पू हरि है। आप क्या है यहाँ पे? नागाड़ में है। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत शहर के मोक्षदा स्कूल, लाजपत पार्क और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज मायागंज अस्पताल के सामने वेडिंग जोन अंतर्गत बनाई गई दुकान के आवंटन के लिए मार्च 2023 में ही निविदा प्रकाशित की गई थी। मंगलवार को दुकान आवंटन के लिए सैंडिस कंपाउंड के समीप कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में निविदा समिति की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारण बताकर रद्द कर दिया गया है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक ने इस बात का पत्र जारी कर बैठक रद्द करने की जानकारी दी। जारी किए गए पत्र के आलोक में स्मार्ट सिटी के PRO राजेश कुमार ने बताया कि 11 जून को होने वाली बैठक अब 13 जून को स्मार्ट सिटी कार्यालय में होगी। उन्होंने कहा कि आवेदकों के सामने ही दुकान आवंटन के लिए निविदा खोली जाएगी। हम आपको बता दें कि मायागंज में 26, लाजपत पार्क में 16 और मोक्षदा स्कूल के समीप 17 दुकानें बनाई गई है, जिसका आवंटन किया जाएगा। बिहार प्रदेश सहित भागलपुर में भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। भागलपुर के महात्मा गांधी पथ स्थित एक निजी होटल में मंगलवार को बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु, उपमेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन सहित राजद के कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन केक काट कर मनाया। इस मौके पर चक्रपाणी हिमांशु ने बताया कि लालू जी गरीबों के मसीहा और दबे कुचले लोगों की आवाज़ हैं। मौके पर कई राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री जी का आज 77वां जन्मदिवस कार्यक्रम इस कार्यक्रम में हम उनको उनकी अच्छी उम्र की कामना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की सुधाई होने की हम लोग कामना करते हैं। सेहत की विचार लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं, विचार दबे कुचले के वो आवाज 90 के दशक में जब उनकी सरकार आई थी, समाज के अंतिम व्यक्ति को सबसे ज्यादा विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में भेजने का काम किया था। जो समाज के जो व्यक्ति जो कमजोर थे उनको सरकार की लाभकारी योजनाओं से उन्होंने प्रभावित किया। लालू प्रसाद यादव देश में एकता के नाम से, भाईचारा के नाम से उनको जाना जाता है। इसलिए आज हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाते हैं और संकल्प लेते हैं लालू प्रसाद यादव के बचे हुए विचारों को हम लोग को गाँव गाँव तक ले जाना है और राष्ट्रीय जनता दल की नीति को भी हम लोग को गाँव ले जाना है। प्रसाद जी जिन्होंने बेजबानों को जबान दी, जिनको पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचना था या उन्होंने सोचा नहीं था, अब ऐसे लोगों को वो पार्लियामेंट भेजने का, विधान परिषद भेजने का काम किया। ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जमाने में और हम लोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद
जी को इनके 77वें जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं और एक लंबी उम्र की कामना करते हैं। इधर सुल्तानगंज के खादी ग्राम उद्योग प्रांगण में भी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन राजद कार्यकर्ताओं ने केक काट कर धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का नेतृत्व राजद के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद यादव ने किया। मौके पर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा परमादरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 77वां जन्मदिन दिवस है और इस अवसर पर मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हो, मेरी भी उम्र उसको लग जाए। हम अकेले हैं तो अपने परिवार का सेवा करते हैं, लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जीवित रहेंगे तो हजारों लाखों घर, करोड़ों घर जहाँ आज तक कभी रोशनी नहीं पहुंची है वहाँ रोशनी उन्होंने पहुंचाने का काम करेंगे और पूरा जीवन गरीबों के लिए लड़ने का काम किया है और करते रहेंगे।